साइबर सिटी गुरुग्राम में हर घंटे दो व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ये कह रहे हैं साइबर सिटी के साइबर थाने में तैनात थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह का। थाना प्रभारी के मुताबिक बीते चार महीनों में 6000 से ज्यादा शिकायतें साइबर थाने में पहुंची थी, जिनमें से 2000 शिकायतों का निपटारा हो चुका है और बाकी शिकायतों पर अनुसंधान किया जा रहा है। और साइबर अपराधों के इस तेजी से बढ़ने के चलते अब पुलिस कमिश्नरेट साइबर सिटी के 32 थानों में साइबर डेस्क बनाने जा रहा है, जिसको लेकर थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को तकनीकी ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया जा चुका है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह के मुताबिक साइबर क्राइम और साइबर ठगी से जुड़ी 1500 शिकायतें हर महीने साइबर क्राइम थाने में पहुंच रही है और हर दिन 45 से 50 शिकायतें। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक साइबर ठग बेहद शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं और हाल ही के मामलों की शिकायतों को देखते हुए ये भी साफ हुआ है कि ये शातिर साइबर ठग टीनेजर्स को ज्यादा टारगेट कर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए हमारे गुड़गांव में भी लगभग 36 साइबर हेल्प डेस्क है विभिन्न पुलिस थानों में महिला थानों को छोड़कर, तो उनकी भी हम लगातार लीगल और टेक्निकल ट्रेनिंग करा रहे हैं। अपने पुलिस स्टेशन के साथ साथ मैन पावर भी बढ़ाई जा रही है, तो उसमें यही है कि भी साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो जो हमारे नॉर्मल जो पुलिस स्टेशन हैं उसमें भी अब ये इन्वेस्टिगेशन साइबर की इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और इससे हमारे साइबर थाने पर भी थोड़ा दबाव कम रहेगा और ये बढ़ते हुए साइबर क्राइम को लोगों को अवेयर करने के साथ साथ जो घट चुका है जो घट रहा है उसको हम कर्व करने के लिए साइबर हेल्प डेस्क थाना पूरे भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक भी फॉर कोई इंस्टेंट लोन प्लीज क्लिक दिस, और या फिर कई बार खुद बंदा गूगल पे सर्च करता है या प्ले स्टोर पे सर्च करता है। प्ले स्टोर पे तो ये बहुत ही कम उपलब्ध है, ज़्यादातर सीधा SMS आता है और बंदा उसमें ट्रैक होता है। वो हाई बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम से और ऊपर से फिर हाई इंटरेस्ट। सपोज 5000 का लोन है एक वीक के लिए तो आपको 3031 ही मिलेगा और उसके बाद वो लोन ख़त्म होने के बाद भी फिर क्योंकि जब इंस्टॉल करते हैं ऐप को तो आप वो सारी परमिशन ले लेते हैं जिसमें आपकी डायरेक्टरी है, कॉल लॉग्स है, आपकी जो फैमिली पिक्चर्स हैं वो सब उसमें हैकर्स के पास चली जाती है और बाद में फिर उसको मिसयूज़ करते हैं, कुछ कुछ उसमें गंदा लिखते हैं, गंदी कमेंट करते हैं, वो धमकी देते हैं, वहाँ के रिश्तेदार आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज़ तुरंत इतने पैसे डालो, तो बंदे एक तरह से ट्रैप में हो जाते हैं। तो हमारी सलाह ये है कि इस तरह के ऐप्स डाउनलोड ना करें, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें और लोन के ऐप्स तो ना ही करें, बिल्कुल जीरो। साइबर क्राइम पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाती आई है, लेकिन जरूरत है कि हम भी सावधान रहें और कभी भी साइबर अपराधियों का शिकार होने पर तुरंत MHA द्वारा जारी साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर 1390 पर कॉल कर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाएं। बहरहाल साइबर सिटी में सभी थानों में साइबर डेस्क शुरू करने की कोशिश यहाँ के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।